बिहार मध्ये अचानक आगी लागण्याच्या घटना प्रचंड वाढलेल्या आहेत। दरभंगा जिल्ह्यात लागलेल्या आगीत आतापर्यंत सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 या काळात कोणी स्वयंपाक आणि पूजा करू नये असे निर्देश बिहार सरकारने दिलेत। त्या संदर्भातल्या सूचना सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्यात। बिहार मध्ये आगी लागण्याचं प्रमाण अचानक वाढलंय। पश्चिमेकडून येणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळे या घटना वाढत असल्याचं सांगण्यात येत आहे। या आगींमध्ये आतापर्यंत 60 जणांचा मृत्यू झालाय आणि मालमत्तेचं मोठं नुकसानही झालेलं आहे। चंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या है, बिहार में नया कानून ला रहे, क्या एग्जैक्टली है? जो बिहार में आग की घटनाएं बढ़ गई है, 74 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सुबह 9 बजे तक ही खाना बना लेना है और शाम 6 बजे के बाद खाना बनाना है। उसके पहले अगर खाना बनाते हैं तो सरकार ने उसमें 2 साल के जेल का प्रोविजन भी रखा है, क्योंकि तो जितनी भी आग की घटनाएं घटी हैं सुबह 9 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले घटी हैं, तो इस स्थिति में सरकार ने पूजा पाठ हवन और खाना बनाने का जो निर्देश जारी किया है वो अर्ली मॉर्निंग किया है, और उसको अगर कोई तोड़ता है तो उसमें पुलिस पकड़कर उसे जेल भी भेज सकती है। इस तरह का नोटिफिकेशन, इसको लेकर के मुझे बहुत आक्रोश भी है जनता में, ग्रामीणों में, क्योंकि शाम में बिजली नहीं रहती है तो शाम में 6 बजे के बाद खाना बनाने की सुविधा नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो है लोगों में थोड़ा आक्रोश है। और इस अगलगे की घटना पर कंट्रोल करने का एक सरकार का एक ये अपने आप का एक नया तरीका है जी। धन्यवाद चंदन जी, ये पूरी जानकारी के लिए है होते हमसे पाटना से प्रतिनिधि चंदन झा आणि आपल्याला ते ह्या संदर्भात अधिक माहिती देत होते। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।